जय नारायण स्टूडेंट, वेलकम बैक हियर। आई होप ऑल आर वेल। नाउ माई सेल्फ निधि लाल, टुडे वी गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 3, नेशनलिज्म इन इंडिया, एंड टुडे टॉपिक फॉर रीजन फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एंड दिस लेक्चर नंबर इज स्टूडेंट 6, एंड मेन टू फैक्टर ऑफ दैट शेप फर्स्ट साइमन कमीशन ऑफ 1927 एंड ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929, एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कस की द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन इट में स्टूडेंट की फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटेन सेटअप द कमीशन अंडर सर जॉन साइमन एंड अ सेचुरिटी कमीशन अंडर द सर जॉन साइमन एंड वॉज कंस्टिट्यूटेड बाय द टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन टू लुक इन टू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट द चेंजेस। वाई स्टूडेंट? बिकॉज ऑल द मेम्बर्स फॉर द कमीशन All the members of the commissions were Englishmen, and it did not provide any hope of Swaraj to Indians. So it was to look into the functioning of constitutional system in India, student, and suggest the changes. Why? Because the problem was all the members were British and no one Indians. And when Simon Commission arrived in India in 1928 and was boycotted by all the leaders of the Congress as well as the Muslim League, and in October 1929 Lord Irwin announced an uncertain offer to dominant status for India and round table conference to discuss the future constitution in December 1929. The student, I renew that ki all members are Englishman and no one Indians. And first of all, ki when Simon Commission is arrived in India 1928 and it was greeted with go back Simon, and all parties including Muslim League, Congress, and participate in the demonstration this part. And first of all, in October 1929, Lord Irwin announced the uncertain offer of dominant status for India and roundtable conference to discuss the future constitution. वहाँ पर बात हुई, डिस्कस किया गया, और वहाँ फिर इन दिसंबर 1929 में अंडर जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज, स्टूडेंट, पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस, इट वॉज डिक्लेयर दैट 26 जनवरी एंड 1930 वुड बी सेलिब्रेट एज द इंडिपेंडेंस डे एंड पीपल हैड टू टुक अ प्लेज फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ सेकेंड प्रॉब्लम इन द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929. तो स्टूडेंट, आर यू नो डैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल साइमन कमीशन ऑफ 1927 व्हाट प्रॉब्लम, फर्स्ट आई एम ऑलरेडी डिस्कस, एंड सेकेंड प्रॉब्लम स्टूडेंट, फर्स्टली कि ग्रेट डिप्रेशन, द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑल्सो अफेक्टेड इन इंडिया एज एग्रीकल्चर प्राइजेस एंड बिगिन टू फॉल फ्रॉम 1926. ओके स्टूडेंट, 1926 एंड कोलैप्स आफ्टर 1930. एंड मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट की क्रॉप फेल हो गई एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइनिंग एंड पीजेंट फाउंड इट हार्ड टू सेल एंड देयर प्रोड्यूस एंड पे देयर रेवेन्यूज. नाउ तो एग्रीकल्चर प्राइजेस बिगिन टू फॉल, एग्रीकल्चर गुड्स एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइन एंड पीजेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर द हार्वेस्ट क्रॉप्स एंड पे देयर द रेवेन्यू. मेनली उनको था कि हम कैसे रेवेन्यू पे करेंगे, और ये सारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगी. तो इसके बाद गांधी जी ने क्या डिसाइड किया, नाउ स्टार्ट सी इन दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ऑलरेडी डिस्कस की ग्रेट डिप्रेशन, द डिप्रेशन हैड डीप इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्री गुड्स. पॉवर्टी इंक्रीज बाय 1930 ड्यू टू द हाई टैक्सेस, और इस डिफ़िकल्टीज़ में भी उन्हें हाई टैक्सेस पे करना पड़ा था, और ये सारे रीज़न थे. साइमन कमीशन में कोई भी इंडियंस नहीं थे, और उनकी कोई भी जो भी उन्होंने कॉन्फ्रेंस मीटिंग वगैरह भी रखी, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में भी उनको कोई भी होप नहीं था कि वो स्वराज मतलब उन्हें मिलेगा इस तरीके की इंडिपेंडेंस. इस वजह से वहाँ पर फिर आपने देखा कि जवाहरलाल नेहरू ने इन दिसंबर 1929 में अंडर जवाहरलाल नेहरू द
नेहरू ने लाहौर में कांग्रेस जाके अपनी डिमांड पूर्ण स्वराज की रखी, फुल इंडिपेंडेंस, एंड इट वाज डिक्लेयर दैट कि 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेट एज द इंडिपेंडेंस डे एंड व्हेन पीपल हैड टू टुक अ प्लेज फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस. बट सम रीजन नो वन सक्सेस दिस पार्ट. तो लॉर्ड इरविन इन अक्टूबर 1929 अरेंज, जैसा कि अभी हमने बताया कि अरेंज किया उन्होंने राउंड टेबल एंड कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, बट कांग्रेस लीडर वे आर नॉट सेटिस्फाइड एंड सो इन दिसंबर 1929 अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू लाहौर अ कांग्रेस सेशन एंड डिमांडेड पूर्ण स्वराज. तो 20 जनवरी 1930 वॉज सेलिब्रेटेड एज अ इंडिपेंडेंस डे बट इज नॉट अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन. कुछ ही लोग इससे अट्रैक्ट हुए, सभी अट्रैक्ट नहीं हो पाए. तो इस वजह से गांधी जी ने इसको आगे कंटिन्यू किया. दूसरे क्या लाने की बात करी और देखिए इसके आगे क्या होता है कि 31 जनवरी, सी इन दिस पिक्चर सिविल डिसोबीडियंस. ऑन 31 जनवरी 1930 गांधी जी सेंट अ लेटर टू लॉर्ड इरविन विथ 11 डिमांड्स दैट इंक्लूडेड डिमांड टू एबोलिश द सॉल्ट टैक्स. उन्होंने अपनी डिमांड को इरविन पैक के साथ रखा कि 31 जनवरी 1930 गांधी जी सेंट अ लेटर टू लॉर्ड इरविन विथ 11 डिमांड्स दैट इंक्लूडेड द डिमांड टू एबॉलिश, और उन्होंने एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश करने की डिमांड रखी एंड गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट. एंड एज इरविन रिफ्यूज टू इंटरटेन एनी ऑफ दीज ऑफ, अगर आप, उन्होंने कहा कि अगर आप मेरी डिमांड को, गांधी जी ने कहा कि अगर आप मेरी 11 मार्च तक डिमांड कंप्लीट नहीं करते हैं तो हम यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लाएंगे. तो इरविन रिफ्यूज टू इंटरटेनमेंट एनी ऑफ दीज ऑन 11 मार्च, एंड लॉर्ड इरविन ने कहा कि ये अनलास्टिक चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हम नहीं करेंगे. तो नाउ गांधी जी ने, आपने देखा कि गांधी जी सेंट अ लेटर टू वाइसरॉय इरविन स्टार्टिंग द 11 डिमांड, बट द आइडिया वॉज टू मेक डिमांड वाइड रेंजिंग. और उनका डिमांड था कि इस तरीके से बहुत जो भी रिच पुअर सभी यूज़ करते हैं, सो डैट क्लास विद इन अ इंडियन सोसाइटी कुड बी यूनाइटेड. And some demands were to abolish salt tax and lot and look into the land revenue also. तो जैसा कि आपने देखा कि बहुत ज़्यादा ग्रेट डिप्रेशन था, वहाँ पर रेवेन्यू उनको पे करना पड़ा था. तो बट वाइसरॉय इज डिड नॉट एक्सेप्ट गांधी जी डिमांड. आपने देखा कि गांधी जी ने उनकी डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया, बट वाइसरॉय डिड नॉट एक्सेप्ट गांधी जी डिमांड एंड 11 मार्च 1930 एंड गिव अल्टीमेटली उनको एक टर्न लेना पड़ा इफ डिमांड वेयर नॉट फुलफिल्ड. तो देन कांग्रेस वुड लॉन्च सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और उन्हें अल्टीमेटली सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लाना लाइव. नाउ सी इन दिस मिक्सचर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ऑलरेडी डिस्कस दिस पार्ट कि ऑन 31 जनवरी 1930 गांधी जी सेंट अ लेटर टू वाइसरॉय इरविन स्टेटिंग now stating the 11 demand, and the idea was to make demand wide ranging so that all classes within Indian society could be united student, and some demand were to abolish and salt tax, look into the land revenue, and but Vaisri did not accept Gandhi ji demands. नाउ स्टूडेंट, जब उन्होंने डिमांड कंप्लीट नहीं की लॉर्ड इरविन, तो 11 मार्च 1930 एंड गिव एन अल्टीमेटम इफ डिमांड वेयर नॉट फुलफिल्ड देन कांग्रेस वुड लॉन्च द सी डी एम स्टूडेंट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. एंड नाउ सी स्टूडेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, गांधी जी सेलेक्टेड द सॉल्ट एज सॉल्ट वाय, बिकॉज सॉल्ट वॉज द समथिंग कंज्यूम बाय रिच एंड पुअर, ऑल हैड टू पे टैक्स टू गवर्नमेंट. एंड महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च, डांडी मार्च. नाउ सी, ही चूज द सॉल्ट एज अ सिंबल टू यूनाइट द नेशन एज एवरी वन यूज्ड इन डेली लाइफ एंड पेड द टैक्स फॉर इट. नाउ नेक्स्ट, सिविल डिसोबीडियंस, दिस इज द मैप शो कि फर्स्ट ऑफ ऑल साबरमती एंड डांडी मार्च 400 किलोमीटर इज द डिस्टेंस. सी इन दिस पिक्चर, सी
नाउ नेक्स्ट, गांधी जी सेलेक्टेड अ सॉल्ट एज सॉल्ट वॉज समथिंग कंज्यूम बाय रिच एंड पुअर. ओके, ऑल हैड टू पे टैक्स टू गवर्नमेंट. गवर्नमेंट हैड मोनोपोली ओवर सॉल्ट प्रोडक्शन, अदर कैन नॉट प्रोड्यूस. और कोई, आपने देखा कि गवर्नमेंट जो है मोनोपोली थी और कोई इसका अदर प्रोडक्शन नहीं था. इस वजह से गांधी जी ने डिसाइड किया कि रिच एंड पुअर सभी लोग इसको यूज़ करते हैं. और जब आपने देखा कि गांधी जी रोट अ लेटर टू वाइसरॉय इरविन अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ सम डिमांड विच वेयर स्पेसिफिक एंड जनरल इन नेचर, आपने देखा कि उन्होंने उनकी डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया. तो ऑफ ऑल द डिमांड्स फॉर एबोलिश ऑफ सॉल्ट टैक्स वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ वन. उन्होंने देखा कि सॉल्ट ही हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है. सो गांधी जी टॉट टू रेज द डिमांड फॉर द एबोलिश ऑफ सॉल्ट टैक्स एंड विथ विच द सोसाइटी कुड बी ब्रॉड and together he saw in the act of powerful masses that that would be unite Indians for a mass struggle. और इस तरीके से mass struggle होगा. and salt was once such a common commodity that was used by every section of the society. rich poor सभी use करते हैं. और the British government had imposed tax and acquired the monopoly rights to produce salt and it resulted in increase in its price. Now see in this mainly कि CDM, अगर आप मेरी चीज़ों को, मतलब इसमें टैक्स को हमारे नहीं उसको रिलैक्स करेंगे, नहीं उसको वो कम करेंगे, तो हम CDM लाएंगे. CDM means होता है स्टूडेंट की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. हम नॉट ओबेइंग द गवर्नमेंट लॉ, हम गवर्नमेंट के लॉस को ओबे करेंगे. नॉट ओबेइंग द गवर्नमेंट लॉ. तो गांधी जी स्टार्टेड द डांडी मार्च. और इस तरीके से गांधी जी ने स्टार्ट किया डांडी मार्च. सी इन दिस पिक्चर, डांडी मार्च में 78 ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स थे. 390 किलोमीटर उन्होंने डांडी मार्च में किया. एंड साबरमती डांडी, यहाँ साबरमती से डांडी हमने आपको भी मैप शो किया, इतना इन्होंने डिस्टेंस कवर किया. एंड 6 अप्रैल लीज द गांधी जी एंड वायलेटेड लॉ एंड मैनुफैक्चर द, उन्होंने मैनुफैक्चर किया सॉल्ट एंड बाय बॉइलिंग वाटर. तो आपने देखा इस तरीके से डांडी मार्च किस तरीके से हुआ कि महात्मा गांधी जी स्टार्टेड इस फेमस, जो देखते आपने देखा कि सॉल्ट मार्च एंड डांडी मार्च एक्ट जो आपने देखा इसका मेनली इसकी कि बाय 78 फॉलोअर्स फॉर हिज आश्रम. आश्रम वही लाइक आश्रम साबरमती टू गुजरात एंड कोस्टल टाउन टू डांडी रीचिंग देयर ही ओपनली वायलेंट द सॉल्ट लॉ और मैनुफैक्चरिंग द सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर. तो मार्केबल क्या चीज़ किया उन्होंने, दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. और इस तरीके से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया. And as the movement spread foreign clothes and wear cloth, liquor shops, picket, peasant refused to pay taxes and while the while villages offered resign. और इस तरीके से जब डांडी मार्च में सिविल डिसोबीडियंस हुआ तो बहुत लोगों ने भी सब ने रिजाइन किया. और क्या चीज़ें हुई देखिए. नाउ सी सिविल डिसोबीडियंस में कॉलोनियल गवर्नमेंट स्टार्टेड द अरेस्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल सिविल डिसोबीडियंस स्टार्टेड बाय गांधी जी. फेस्ट आपने देखा गांधी जी ने स्टार्ट किया और फर्स्ट ऑफ ऑल अटैक किया ब्रिटिश ने ब्रिचुअल रिस्पॉन्स को देखते हुए जो भी इन्होंने और फ्रॉम द ब्रिटिश. एंड देयर वॉज मैनी देर वॉज लार्ज स्केल अटैक ऑन द सत्याग्रह. इवन वुमेन चिल्ड्रन वेयर नॉट स्प्रेड एंड बीटन और बैडली थाउजेंड्स ऑफ द प्रोटेस्टर वेयर अरेस्टेड. आप देख रहे हैं कॉलोनियल गवर्नमेंट स्टार्टेड अरेस्टिंग ऑल पॉलिटिकल लीडर्स एंड गांधी जी वॉज ऑल्सो अरेस्टेड और ऑफ टोटल ऑफ 60,000 इंडियन वेयर अरेस्टेड. तो जब सिविल डिसोबीडियंस इस तरीके से डांडी मार्च में हुआ और इस तरीके से उन्होंने सॉल्ट के लॉ को लाया और मैन्युफैक्चरिंग किया. तो जब सॉल्ट लॉ मैन्युफैक्चरिंग हुआ और इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मार्केबल, मतलब उन्होंने ओबे किया उस रूल एंड रेगुलेशंस को, तो वहाँ की जो ब्रिटिश थी उन्होंने अटैक किया और इस तरीके से थाउजेंड्स ऑफ द प्रोटेस्टर वेयर अरेस्टेड. एंड आप दिस सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि गांधी जी वॉज ऑल्सो अरेस्टेड. एंड नाउ दिस सिचुएशन फॉर गांधी जी टू कॉल ऑफ द मोमेंट. और उन्होंने जब देखा कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इंक्रीज हो रहा है तो उन्होंने क्या किया. नाउ सी सिविल डिसोबीडियंट वॉज
सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट वॉज स्टॉप्ड बाय गांधी जी, ऑल प्रिजनर वेयर रिलीज्ड एंड गांधी जी इंसिस्टेड फॉर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने एक सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया और इस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, बट दिस सिचुएशन फोर्स द गांधी जी टू कॉल ऑफ द मूवमेंट एंड साइन अ पैक्ट ऑफ विद लॉर्ड इरविन, एंड द केम द पैक्ट ऑफ केम टू द गांधी जी एज गांधी इरविन पैक्ट, फिर उन्होंने साइन किया और अकॉर्डिंग टू द पास गांधी जी एग्रीड टू टेक पार्ट ऑफ द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंडन. तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट कहाँ हुआ था, लंडन में, और इस सिचुएशन में गांधी जी ने क्या इम्पैक्ट पे क्या पैक्ट लाया था, गांधी इरविन पैक्ट लाया, और गांधी जी ने कॉल्ड ऑफ कर लिया किस मूवमेंट को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और अकॉर्डिंग टू द पास गांधी जी एग्रीड की टू टेक पार्ट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंडन, इन टर्न द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर इम्प्रेस्ड ड्यूरिंग द मूवमेंट. नाउ सी, तो गांधी जी इरविन पैक्ट, इस तरीके से गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आया. तो आपने देखा कि जो सिचुएशन थी, जो इस तरीके की फोर्स हुआ, तो गांधी जी टू कॉल ऑफ द मूवमेंट एंड साइन अ पैक्ट, और उसी पे उन्होंने साइन करने की पैक्ट रखा कि विथ लॉर्ड इरविन, और उस तरीके से उन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ किया, लंदन में. तो द पैक्ट केम टू बी कॉल्ड एज द गांधी जी गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट के नाम से हुआ स्टूडेंट, एंड अकॉर्डिंग टू द जो पास्ट जो भी चीज़ें हुई जो भी, तो उसको देखते हुए गांधी अकॉर्डिंग टू पैक्ट ऑफ गांधी एग्री टू टेक पार्ट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंडन, एंड इन टर्न द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर इम्प्रेस्ड एंड ड्यूरिंग द मूवमेंट. तो स्टूडेंट आर यू नो डैट कि एज द मूवमेंट बहुत ज़्यादा जब इंक्रीज हो गया, और आपने देखा स्प्रेड फॉरेन क्लॉज वेयर बायकॉटेड लिक्विड शॉप्स पिक्टेड एंड पीजेंट रिफ्यूज टू पे टैक्सेस वाइल विलेजेस ऑफर रिजाइन, तो वरिड बाय द ऑन गोइंग द मूवमेंट एंड द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन द अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर अनरिलीज स्पिरिचुअल रिप्रेशन, बहुत ज़्यादा उनको रिप्रेस कर बहुत ज़्यादा उनको परेशान करने लगी. तो एज अ प्रोमिनेंट लीडर ऑल मतलब उनको एबॉलिश करना था, तो उन्होंने फिर सोचा कि अब इसको कॉल्ड ऑफ करना है. तो एज अ प्रोमिनेंट जो हमारे एक लीडर थे और अब्दुल गफर खान वॉज ऑल्सो अरेस्टेड, तो देयर वॉज द सर्वर वायलेंस एंड इंसिडेंट, द मूवमेंट हैड टू बी कॉल्ड ऑफ 5 मार्च 1931. And Gandhi ji signed a pact with Irwin and agreed the participation in the round table conference in London. और इस तरीके से उन्होंने लंदन में इस